हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। लेटेस्ट जो अपडेट निकला हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट पोस्ट निकला है, जिसको मैं डिटेल्स में यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई डेट क्या है, सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पे बताऊँगा। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा वीडियो देख के उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एक सुविधा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है, उसके साथ साथ कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल्स में। पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसको मैं यहाँ पे पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि एप्लीकेशन डेट जो शुरू होने वाला है 23 फरवरी 2019 से शुरू होगा, एंड लास्ट डेट होगा 25 मार्च 2019 में इसका जो लास्ट डेट रहेगा। इसके साथ साथ इसका जो पेमेंट रहेगा आपका ऑनलाइन में, आपको उसी डेट, आपको लास्ट डेट रहेगा उसी डेट कि पहले आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड के डेट भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी आप अप्लाई करेंगे जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, ये जो लोग OBC जनरल कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 500 रुपीज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो लोग SC ST फीमेल एंड PWD और फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं, इन लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पोस्ट नेम क्या है। फर्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के, एज लिमिट जो यहाँ पे दिया हुआ है 28 मैक्सिमम एज लिमिट। इसके साथ साथ आपको BE BTEC डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद इन 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल। उसके बाद दोस्तों, जो पोस्ट है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, इसका भी आपको रेज लिमिट जो है मैक्सिमम 28, एंड इसके साथ साथ आपका क्वालिफिकेशन भी इसका सेम रहेगा BE BTEC डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे स्टेज ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है, जिसका आपको मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है 25 ईयर्स। इसके साथ साथ आपको क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद ओ लेवल एग्जाम पास्ट और डिग्री कंप्यूटर टाइपिंग 40 वाट पर मिनट, शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वाट पर मिनट। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट जो निकला हुआ है AG2 हिंदी के लिए, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स, और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको चाहिए बैचलर डिग्री विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन एंड टाइपिस्ट के। इसके बाद जो पोस्ट निकला हुआ है टाइपिस्ट हिंदी के लिए, जिसके लिए मेन मैक्सिमम जो एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है 25। इसके साथ साथ इस पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, टाइपिंग स्पीड 30 वाट पर मिनट। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट जो निकला हुआ है AG Grade 3 के लिए जनरल, मैक्सिमम जो इसका एज लिमिट रहेगा आपको 27 ईयर्स। इसके साथ साथ इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट है AG Grade 3 अकाउंट के लिए, यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम एज लिमिट चाहिए 27 ईयर्स। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCOM इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। उसके बाद जो पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है AG Grade 3 टेक्निकल, मैक्सिमम 27 ईयर, आपको यहाँ पे एज लिमिट चाहिए BE BTEC इन फूड साइंस टेक्नोलॉजी और BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर और BSc डिग्री विद एनी सब्जेक्ट ऑफ बोटानी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस। इसके बाद जो पोस्ट है यहाँ पे AG Grade 3 डिपार्टमेंट के लिए, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 27 ईयर्स के एज होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 4103 पोस्ट वैकेंसी निकला हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका जब भी आप अप्लाई करेंगे, इसका लिंक एक्टिवेट होगा 23 फरवरी 2019 में। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जिसका ऑफिशियली लिंक है नीचे
दे दूंगा, आप लोग उस लिंक में जाके एप्लीकेशन कर सकते। इसके अलावा इसका जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग चाहते हैं तो वहाँ से जाके डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते। तो दोस्तों यही था फूड कॉर्पोरेशन इंडिया की लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट निकला इसका डिटेल। अगर आप लोगों को पसंद आया डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।